हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आपका रसोई घर। और आज की जो रेसिपी है ना वो बहुत मज़ेदार रेसिपी है। जब भी हम घर पे मलाई से घी निकालते हैं तो मलाई का जो वेस्ट पार्ट निकलता है, आज हम उसी वेस्ट पार्ट से लड्डू बनाएंगे। जो लोग मेरा वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा कि कल के वीडियो में, मतलब जो बीत गया है कल, उस वीडियो में मैंने घी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो वेस्ट पार्ट मेरे पास मलाई का बच गया था, तो मैंने भी फटाफट से उसका लड्डू बनाया। उसका लड्डू बनाने के लिए क्या करना होता है ना कि जो उसका वेस्ट पार्ट होता है, पहले उसे अच्छे से हम लोग उससे घी निकाल लेंगे और इसे एक छन्नी में रख देंगे। एक पैन ले लेंगे, उसमें डाल देंगे आधा चम्मच घी। घी में हम डाल देंगे 3 से 4 चम्मच बेसन और बेसन को अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हमने जो मलाई वाला पार्ट रखा है ना, उसको गैस पे गरम कर लेंगे ताकि उसमें जो घी वगैरह होता है ना सब मेल्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम उन सारी चीज़ों को बेसन में डाल देंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आधा चम्मच हम इसमें पिसा हुआ चीनी डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा मतलब मीठा मेरे घर में कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मैं यहाँ पर कम चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हैं। एक बार मिक्स करेंगे, थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, यहाँ पे मैंने सिर्फ किशमिश का इस्तेमाल किया है। और आधा कप थोड़ा थोड़ा करके पानी हम इसमें डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। जब सारी चीज़ अच्छे से बाइंड हो जाएंगी तो गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे, थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल देंगे और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने के बाद से हम इस तरीके से लड्डू बना लेंगे इसका। और अगर आपको ये लड्डू बनाना हो ना, तो मलाई जो है वो आपने जो रखा है घी निकालने के लिए, 15 से 20 दिनों का ही मलाई इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा दिन का नहीं, वरना टेस्ट नहीं आएगा लड्डू में। और यहाँ पे देखिए स्वादिष्ट लड्डू बनकर के रेडी है, जो कि खाने में बहुत टेस्टी बना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।